चैप्टर नंबर टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कुछ डेफिनेशन है वो समझते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे बोलेंगे। चैप्टर का नेम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? जो स्ट्रेट हो, एक दूसरे के सामने हो पर कभी भी एक दूसरे को टच ना करे, वो है पैरेलल लाइन। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? रेलवे ट्रैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल। या फिर वॉल, जो अपने विंडो होते हैं, विंडो को जो रॉड्स होते हैं वो हो सकते हैं उसके एग्जांपल्स, है ना। सो टू आर मोर देन टू लाइन्स, टू आर मोर देन टू लाइन्स विच आर इन द सेम प्लेन बट do not intersect each other are said to be parallel lines। दो या उससे ज़्यादा कोई lines जो straight हो, एक ही जगह हो लेकिन एक दूसरे को कभी एक intersect ना करते हो, इसको बोलेंगे parallel lines। For example, line L and line M, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जगह है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे लिखेंगे लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम। यहां देखो एक मिनट के लिए, ये जो सिंबल है ये पैरेलल बताएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? सो लाइन यल इज क्लियर है, पैरेलल लाइन से उसको बोलेंगे। दो या उससे ज्यादा कितने भी लाइन, एटलीस्ट टू, उससे ज्यादा कितने भी लाइन जो एक ही जगह आते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते और बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब ये हॉरिजॉन्टल आ सकते हैं, वर्टिकल आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, क्रॉस में आ सकते हैं, लेकिन दोनों भी एक ही एंगल में रहेंगे और स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। ये हो गए क्या है अपने पैरेलल लाइंस। उसके बाद क्या है हमारे चैप्टर का नेम? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे, पता है क्या कुछ? ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब क्या? ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो दो या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस को टच होती हुई जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो ये दोनों को टच हो और इसका नेम अगर हम यन दे देंगे, तो ये यल और यम तो पैरेलल लाइंस है लेकिन यन क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन जो दो या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस को टच हो रही हो अलग अलग पॉइंट पर। ये यहां टच हो रहा है और ये यहां टच हो रहा है, क्लियर है? लिख कर ले लो, अ लाइन विच टचेस टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस इज नोन एज ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसवर्सल का मतलब समझ में आ गया? ऐसी लाइन जो दो या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस को टच होती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। वो ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट थर्ड वन, नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ड्यू टू टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल। व्हेन ए ट्रांसवर्सल intersect to two parallel lines, eight angles are formed। जब दो parallel lines को एक transversal touch होते हुए जाता है तो कितने angles बन जाते हैं? कितने angles बन जाते हैं? अरे कितने angles बन जाते हैं? हाँ, तो वो यहाँ पर देखो सभी लोग एक मिनट के लिए, ये है लाइन यल सपोज, ये है लाइन यम सपोज, ये है लाइन पी सपोज। यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं नेम ए, यहाँ दे रहे हैं बी, यहाँ दे रहे हैं सी, यहाँ दे रहे हैं डी, यहाँ पर ई एफ जी। तो इधर पार्ट वाला जो एंगल है ये है नंबर वन एंगल, उधर से भी नंबर वन दे सकते हो, इधर से दे रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने एंगल्स बन गए? समझ में आ रहा है क्या? तो ये एट एंगल्स बन चुके, लिख कर ले लो।
अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट होता है तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनते हैं, कितने नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं, एट नंबर ऑफ एंगल्स, एट। अब कौन से टाइप के एंगल बनते हैं वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म ड्यू टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू टू पैरेलल लाइंस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड। कौन से टाइप के एंगल बनते हैं जब दो ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला टाइप जो बनता है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल्स इन लीनियर पेयर। और लास्ट वन है इंटीरियर एंगल्स। ये अभी सिर्फ नेम देखे हमने, इतने टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं, उसका नाम है ये। अब वो कौन से होते हैं, उसको पहचानना कैसे है वो आगे देखेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये अब अलग अलग सबको देखेंगे, ठीक है।